हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ऊर्जा का मिसलिनियस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का जो सतारा है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, ऊष्मा विद्युत संयंत्र के लिए, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए, जल विद्युत संयंत्र के लिए, या फिर नाभिकीय विद्युत के लिए। तो देखिए, सतारा जो है वो पवन के लिए जो है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का सतारा जो है पवन के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारा है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है। तो प्रथम स्थान जो है तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश मत लगाइएगा, प्रथम स्थान जो है पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु है। भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में कथन देखना है हमें। तो देखिए, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो यह 9.21% 1819 की जो है बता रहे हैं ये। तो देखिए, जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, ठीक है ना, जो गैर पारंपरिक मतलब होता है जो हम बहुत साल से यूज करते हैं, गैर पारंपरिक मतलब हमने जो अभी रिन्यूएबल एनर्जीज जो हमने जो है डेवलप की हैं, तो ये जो है आपका 9.21% है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में पवन ऊर्जा कि एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये देखिए, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है पवन ऊर्जा के लिए। तमिलनाडु में वर्तमान में सुजलाम ग्रुप द्वारा गुजरात के कक्ष में निर्मित 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई विंड फार्म एशिया की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। तो ये आपका है, ये गुजरात के कक्ष में जो है सुजलान ग्रुप ने 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। तो ये जो है आपका तमिलनाडु तो है नंबर वन पे, लेकिन जो जो ये इकाई है वो 1100 मेगावाट की जो सुजलान ग्रुप के साथ है, ये आपका कहाँ पे है, ये गुजरात में। नेक्स्ट हमारा है, मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम एवं भावनगर में ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन कहाँ है। तो ये खंभात की खाड़ी में है, ठीक है, खंभात की खाड़ी में ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन होता है, खंभात की खाड़ी में, ठीक है। तो ये गुजरात वाला भावनगर खंभात की खाड़ी की बात कर रहे हैं। भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पे हैं, तो मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम और भावनगर। तो देखिए, भावनगर गुजरात में जो है ज्वारी ऊर्जा की संभावनाएं हैं, ठीक है। फिर ये आपका है कि विद्युत उत्पादन क्षेत्र के क्षेत्र में संबंधित है। तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से क्या संबंधित है, NHPC, ठीक है, NHPC संबंधित है। भारत में प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा की खपत 2016-17 में कितनी थी, तो ये थी पर पर्सन की बात करें तो ये देखिए आपका 22484 मेगा जूल थी, ठीक है, 22484 मेगा जूल। भारत में अपना सौर प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुर स्थित है। तो रामपुर कहाँ पे स्थित है, अपना, ये इम्पोर्टेंट है, अपना सौर प्लांट लगाने वाला गांव, ठीक है, अपना सौर प्लांट लगाने वाला गांव जो है वो रामपुर में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण क्या है, ठीक है, तो क्या है वित्तीय रुग्णता के कारण क्या है विद्युत बोर्डों के। देखिए, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा है प्रसार एवं संवितरण, जो कृषक हैं उनको कम जो है जितना उत्पादन लागत है उससे भी कम लागत में बिजली दी जाती है। प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा हो जाती हैं। और दूसरा क्या है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। तो देखिए, वाणिज्यिक स्वायत्तता है उसमें बहुत कमी होती है, सारा कंट्रोल जो है स्टेट का होता है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है, मतलब कि जो मतलब लीगल सेक्शन है ये वो, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेलफेयर के लिए कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक बोझ की तरह, मतलब एक प्रेशर आ जाता है ये जो आपकी विद्युत कंपनियां हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित, हाँ, नवीकरण या नहीं मणिकरण, ठीक है, मणिकरण या मणिकरण को मणिकर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, ये आपका कह रहे हैं कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र कहाँ पे है। तो मणिकर्ण जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सही सुमेलित करना हमें गर्म जल स्रोत अवस्थिति, ठीक है। तो ये देखिए, मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में, मणिकर्ण कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी, ठीक है, अनहोनी। तो अनहोनी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तप्त पानी जो है उड़ीसा में है, तप्त पानी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो गर्म जल के स्रोत का है मणिकर्ण या मणिकरण, ठीक है, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, अनहोनी मध्य प्रदेश में, और तप्त पानी ये जो है आपका उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है,
पेट्रोलियम परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। तो देखिए बायोगैस जो है ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन कौन से है? पवन है, जल हो गया, सूर्य की ऊर्जा हो गई, पृथ्वी की ऊर्जा, ये नवीनीकृत जो है ऊर्जा के संसाधन है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है उद्योग। ठीक है, देखते हैं लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है किसका? ये लोहा क्रोमियम और निकल का। किसका? लोहा क्रोमियम और निकल का जो है मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु जो है वो है क्रोमियम। ठीक है, अगर धब्बा रहित बनाना हो तो लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाना होता है। तो जो है स्टेनलेस स्टील को अगर हम बात करें तो लोहा, क्रोमियम और निकल तीन चीज़ें मिली होती हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। ठीक है, जो लौह संयंत्र हैं वो पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। यह उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण होना चाहिए इसमें। ठीक है, का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए ये जो है ये जो पर्टिकुलर स्थिति है ये ऐसी स्थिति क्यों है कि ये पश्चिमी तट पर है? तो गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तरम श्रेणी के लौह निक्षेप का मिलना और इस में से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, तो ये जो है कारण है कि ये जो है पश्चिमी तट पर है। कौन क्या चीज? लौह इस्पात संयंत्र। ठीक है, भारत में इस्पात उत्पादन औद्योग को आयात की अपेक्षा होती है। भारत में इस्पात उत्पादन को जो इस्पात उत्पादन उद्योग है को आयात की अपेक्षा होती है। किससे? ये आपका है कोकिंग कोयले से। ठीक है, कोकिंग या कोककारी कोयला बोलते हैं। टिस्को जो है जमशेदपुर, VSL जो है भद्रावती, HSL जो है दुर्गापुर और HSL जो है भिलाई में से कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई जो है उपलब्ध नहीं है। तो देखिए VSL भद्रावती को जो है लोकल सप्लाई कोयले की नहीं जो है मिलती है। ठीक है ना, बाकी टिस्को का जो जमशेदपुर में टिस्को है, VSL जो है भद्रावती वहाँ पे नहीं मिलती, बाकी HSL दुर्गापुर और HSL भिलाई को जो है स्थानीय लोकल सप्लाई कोयले की मिल जाती है, लेकिन VSL भद्रावती को नहीं मिलती। टिस्को जो है संयंत्र कहाँ पे स्थित है? टिस्को जो है टाटानगर के नज़दीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ? जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है रूस और भारत का। भिलाई जो है स्टील प्लांट किसका है? रूस और भारत का है। भिलाई किसका है? रूस और भारत का है। और जो है राउरकेला जो है वो जर्मनी का है। चाय, जूट, लौह इस्पात तथा चीनी उद्योग में वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है वह है लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। ठीक है, सही सुमेल यही है। भिलाई जो है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में है और राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है जो किसके सहयोग से बना? जर्मनी के। ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ के लिए जो लौह अयस्क की आपूर्ति है वो कहाँ पे से होती है? क्योंझर से होती है। ठीक है, भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे, देखिए भिलाई बनाया गया था, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। तो दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के। भिलाई जो है आपका ये रशिया के और राउरकेला जो है वो जर्मनी के। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमें देखना है, सही सुमेलित करना है हमें उष्ण स्रोत और भारत के राज्य। देखिए लसुंधरा जो है उष्ण स्रोत है किसके? गुजरात में है लसुंधरा। ठीक है, अब लोली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। मणिकरण कहाँ है या मणिकर्णिका? ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। और सोहना जो है हरियाणा में है। सोहना कहाँ पे? हरियाणा में है। लसुंधरा जो है वो गुजरात में है। अब लोली जो है वो महाराष्ट्र में है। मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में और सोहना हरियाणा में। ठीक है, केंद्र है और ऊर्जा है हमें मैच करना है। पतरातू का है, पतरातू है तापीय से। पतरातू किससे रिलेटेड? तापीय से है। झाकरी जो है जल विद्युत है। झाकरी क्या है? जल विद्युत है। कल्पक्कम आपका नाभिकीय है और कोरबा जो है वो तापीय है। तो ये आपको याद होगा, कल्पक्कम पता है नाभिकीय है, कोरबा पता है कि तापीय है, झाकरी जो है ये जल विद्युत है, याद रखिएगा, झाकरी जल विद्युत है और पतरातू भी पता है कि तापीय ही है। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग को हम देखेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग के कारण छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व किस लिए है? एल्युमिनियम उद्योग के कारण है। टेल्को, ठीक है, टेल्को जो है टेल्को कंपनी संबंधित है किससे? ऑटोमोबाइल से। ठीक है, टेल्को कंपनी ऑटोमोबाइल से संबंधित है, कंपनी है और अवस्थिति है। बाल्को कहाँ है? कोरबा।
ठीक है, बालगो कोरबा, हिंडालको जो है पिपरी रेणुकोट, नालको जो है भुवनेश्वर में है। तो बालगो कहाँ पे है? कोरबा में, हिंडालको जो है पिपरी में है, नालको जो है भुवनेश्वर में, HCL जो है आपका खेतरी में, ठीक है, HCL खेतरी में, इंडियन एल्युमिनियम जो है हीराकुंड में, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड में, और नेशनल एल्युमिनियम जो है ये आपका कोरापुट में है। ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड में और नेशनल एल्युमिनियम जो है कोरापुट में। ठीक है, तो अभी फिर से हमें सुमेल करना है। एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य हैं, तो देखिए अलूपुरम, ठीक है, अलूपुरम जो है केरल में है, अलुंग जो है कहाँ पे है, अंगुल, अंगुल जो है उड़ीसा में है, अंगुल उड़ीसा में है, और बेलगाम जो है कर्नाटक में, बेलगाम कर्नाटक में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, याद रखिए फिर से, कोरबा छत्तीसगढ़, बेलगाम कर्नाटक, अंगुल जो ये उड़ीसा में है, और अलुपुरम जो है ये आपका केरल में है। ठीक है, अब जो उद्योग से भी विविध देखेंगे हम, तो देखिए केंद्र और उद्योग दिया हुआ है। काकीनाडा किसके लिए फेमस है? काकीनाडा जूट के लिए, ठीक है, विरुद्ध नगर सूत्री वस्त्र के लिए, विरुद्ध नगर सूत्री वस्त्र के लिए काकीनाडा जूट, ठीक है, काकीनाडा जूट और विरुद्ध नगर सूत्री वस्त्र के लिए। फिर है चन्नापटना, ठीक है, चन्नापटना रेशम के लिए, और भदोही जो है कालीन के लिए। ठीक है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग है वो कहाँ पे? रांची, भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची। मशीन औजार ये कहाँ पे है? पिंजर में है, एल्युमिनियम रेणुकोट में है, और उर्वरक की बात करेंगे तो ये सिंदरी में है। ठीक है, उर्वरक सिंदरी में। फिर से हमारा जो है कथन है, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकाल जो कार्यालय है वो विशाखापट्टनम में है। तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य जो कार्यालय है वो कहाँ पे? विशाखापट्टनम में है। और नारवा पहाड़ खान भारतीय एल्युमिनियम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। दोनों सही है। अब देखिए हस्तशिल्प है और केंद्र और राज्य है। तो देखिए मोन जो है नागालैंड में, हस्तशिल्प केंद्र मोन जो है कहाँ पे? नागालैंड में है, नलबाड़ी असम में है, पासीघाट जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और तूरा जो है मेघालय में है। फिर से देख लीजिए, मोन हस्तशिल्प केंद्र है और राज्य है। तो मोन कहाँ पे है? नागालैंड में। मोन कहाँ है? नागालैंड में। नलबाड़ी जो है आपका असम में है, पासीघाट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और तूरा जो है वो कहाँ पे है? मेघालय में है। फिर आप स्थान है जिसके लिए जाने जाते हैं, चर्चा का विषय थे, उसको हम देखना। काकीनाडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ये बायोडीजल संयंत्र के लिए काकीनाडा। फिर है डिंडीगुल, हैदराबाद में है, ये भारतीय वायुसेना अकादमी है। ठीक है, तो हैदराबाद में डिंडीगुल जो है भारतीय वायुसेना अकादमी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मडगांव। ठीक है, मडगांव जो गोपाल में है वो आपका स्काई बस रेल ये आपका परीक्षण यात्रा। ठीक है, स्काई बस जो है मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा ये इसके लिए है, मडगांव गोवा। और इसके बाद जो है भद्राचलम तेलंगाना में, भद्राचलम तेलंगाना में है, ITC कागज बोर्ड इकाई है ये। ठीक है, ITC कागज बोर्ड की इकाई है। फिर आपका केंद्र और उद्योग है, आंवला जो है उर्वरक के लिए, आंवला उर्वरक है, आंवला क्या है? उर्वरक। मोदी नगर जो है रबर, बाराबंकी जो है पॉलीफाइबर, और कानपुर विस्फोटक। ठीक है, तो अभी कभी कभी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, बाराबंकी को कभी जो है विस्फोटक में भी हो जाता है, तो विस्फोटक नहीं है, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर विस्फोटक के लिए है, मोदी नगर रबर, और आंवला जो है आपके किसका उर्वरक है, आंवला क्या है? उर्वरक उद्योग। ठीक है, अब देखिए जूट सूती वस्त्र चाय चीनी उद्योग में भारत का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? तो सूती वस्त्र है। ठीक है, कौन सा? जूट सूती वस्त्र चाय एवं चीनी उद्योग में भारत का सबसे जो है प्राचीन उद्योग कौन सा है? वो सूत्री वस्त्र है। अब देखिए हमें सही सुमेल करना है। जरी के बटुए कहाँ मिलेंगे? भोपाल में मिलेंगे। भैरवगढ़ के प्रिंट कहाँ मिलेंगे? उज्जैन में मिलेंगे। बाघ के हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट धार में मिलेंगे। चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में मिलेंगी। ठीक है, मसूरिया साड़ी कहाँ पर? कोटा के जिले में है मसूरिया साड़ी। ठीक है, मसूरिया साड़ी कहाँ पर? कोटा जिले में है मसूरिया साड़ी। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद में है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BEL। ठीक है, तो ये आपका गाजियाबाद में है। चुनार प्रसिद्ध किसके लिए? सीमेंट के लिए है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन, ठीक है, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो दूसरा है। ठीक है, जिप्सम चूना पत्थर राख और मटिपार में सीमेंट का मुख्य संघटक क्या है? चूना पत्थर है। ठीक है, चूना पत्थर है। तो बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। ठीक है, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए बिहार में। मध्य प्रदेश
में कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भोपाल, ठीक है, कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भोपाल। अभी फिर से हमें सुमेलित करना है, सूची हमारे पास दो है, ठीक है, सूची दो है और स्थान दिया हुआ और उद्योग दिया हुआ, दोनों सूची में क्या है, स्थान में दिया है और उद्योग दिया है, हमें मैच कराना है। देखिए अगर बात करें विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम किसके लिए फेमस है, पोत निर्माण के लिए, विशाखापट्टनम फेमस है पोत निर्माण के लिए, ठीक है। मूरी जो है आपका एल्यूमिनियम के लिए, विशाखापट्टनम की है पोत निर्माण के लिए, मूरी आपका एल्यूमिनियम के लिए, गुड़गांव जो है वो मोटर गाड़ियों के लिए, और पनकी जो है उर्वरक के लिए, ठीक है, पनकी किसके लिए, उर्वरक के लिए। अब देखिए उद्योग है और केंद्र है, देखिए सीमेंट, सीमेंट पोरबंदर, ठीक है, सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, ठीक है, पेट्रो रसायन नागथेन, लोहा और इस्पात की बात करें तो राउरकेला, ठीक है, लोहा और इस्पात राउरकेला, ठीक है, लोहा और इस्पात राउरकेला, ठीक है, फिर से देख लीजिए, सीमेंट पोरबंदर, मेट्रो रसायन जो है नागथेन, लोहा इस्पात राउरकेला, भारत में पंजिम, भारत में पंजिम, बंगलुरु, पुडुचेरी और औरंगाबाद औद्योगिक केंद्र के क्षेत्रों में रबर उद्योग स्थित है। तो रबर उद्योग कहाँ पे स्थित है, ये है आपका रबर उद्योग पंजिम में स्थित है, ठीक है, पंजिम में स्थित है रबर उद्योग, ठीक है, तो रबर उद्योग कहाँ, पंजिम में, ठीक है, तो इसमें कहाँ पे है, पंजिम, भारत में पंजिम, बंगलुरु, पुडुचेरी, औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रों में रबर उद्योग स्थित है, तो ये पंजिम में है रबर उद्योग। पिपरी या उत्तर प्रदेश में उद्योग कौन सा है, जल विद्युत, ठीक है, पिपरी उत्तर प्रदेश में में उद्योग है कौन सा, जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत, तो पिपरी आप जल विद्युत से कनेक्ट करिएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था कहाँ पे, सिंदरी में, तो अगर फर्स्ट जो है उर्वरक संयंत्र की बात करें तो सिंदरी में है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सहकारिता क्षेत्र में कहाँ, फूलपुर उत्तर प्रदेश में, तो सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक, सबसे बड़ा उर्वरक कहाँ पे है, ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में, ऐसा ही सुमेल करना हमें। देखिए ब्रजराज नगर ये उड़ीसा, ठीक है, कागज के लिए, ब्रजराज नगर उड़ीसा कागज के लिए। कैमूर आपका मध्य प्रदेश में है सीमेंट के लिए, हल्दिया पश्चिम बंगाल में पेट्रो रसायन के लिए, और फूलपुर उत्तर प्रदेश में उर्वरकों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है, तो भारत का जो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना है वो कहाँ पे, जामनगर गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1973 में स्थापना हुई थी। अब देखिए अमलाई, अमलाई कहाँ, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका बल्लारपुर, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में है। ब्रजराज नगर कागज के लिए उड़ीसा में है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक कागज मिले कहाँ पे है, गुजरात में है। सॉरी, भारत में सर्वाधिक जो कागज मिले हैं वो गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक कागज मिले कहाँ पे है, गुजरात में है। कथन जो है आपका, देखिए यद्यपि भारत में देखिए यद्यपि भारत में कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपनी अपना भार नहीं खोता, ठीक है। देखिए कथन सही और कारण भी सही है, फिर से देख लीजिए। यद्यपि जो है भारत में कुछ ही भागों में कपास उत्पादित होती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। जो कच्चा माल है वो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता, ये भी सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ, तो 1818 में जो फर्स्ट सूती वस्त्र कारखाना था वो पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लॉस्टर में, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लॉस्टर में, ठीक है। भारत में प्रथम कपास मिल, ठीक है, सूती वस्त्र के लिए कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में लगाया गया था पहला जो है, कलकत्ता में। तो पहला उद्योग, पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के फोर्ट ब्लेयर में, और पहला जो सूती मिल है वो कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। अभी हमें सुमेलित करना है, देखिए उद्योग है और केंद्र, रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक, पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात, पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात। उर्वरक आपका है तलचर उड़ीसा, और औषध निर्माण आपका ऋषिकेश उत्तराखंड, ठीक है। आप कोई भी मेडिसिन लेंगे, कोई पेस्ट लेंगे, टूथपेस्ट लेंगे, अगर आप उसको देखें तो बहुत सारी चीज़ें या तो बेंगलुरु की होंगी, या तो फिर मैक्सिमम चीज़ें आपकी ऋषिकेश की, उत्तराखंड की होंगी, ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये रांची में है, और
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोटा में है, ठीक है। तो ये चीज थी। और नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसमें हमें मैच कराना है, इसमें भी स्थल है और राज्य है। कोयाली जो है, या कोयली होता है, कोयाली नहीं है, कोयली गुजरात में है। नागपट्टिनम है तमिलनाडु में, नागपट्टिनम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ आपका आसाम में है, मनाली जो है तमिलनाडु में, ठीक है, मनाली तमिलनाडु में। अब फिर से हमें क्या करना है, राज्य स्थान और राज्य, ठीक है। मुरी जो है वो झारखंड में, मुरी कहाँ पे है, झारखंड में। और अलवाय जो है वो केरल में है, अलवाय केरल में। धर्मापुरी तमिलनाडु में, और कोयली जो है वो गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है औद्योगिक इकाई और केंद्र, एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत में है, एटलस साइकिल लिमिटेड कंपनी सोनीपत में है, ठीक है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में। फिर आपका इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर, ये है कलोल में, ठीक है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर जो है वो कलोल में है, ठीक है। उसके बाद नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भुवनेश्वर में है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। डायमंड पार्क कहाँ पे है, वो औद्योगिक केंद्र जो हीरे सिंथेटिक जवाहरात और आभूषण के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करते हैं, उसको डायमंड पार्क कहते हैं। अब देखिए वरिष्ठ व्यक्ति और कार्य क्षेत्र, तो बीबी राव जो है वो कुक्कुट पालन, ठीक है। बीबी राव किससे रिलेटेड थे, कुक्कुट पालन से। सी के प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान, जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था, ठीक है। जॉन कुरियन जो है मत्स्य जो है उद्योग और अर्थव्यवस्था, ठीक है। फिर आपका है किरण कार्डिक, ठीक है। किरण कार्डिक जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद जो है किरण कार्डिक हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। बीबी राव जो है वो कुक्कुट पालन, सी के प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान, जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था, किरण कार्डिक ये जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी और विकास सामग्री सॉफ्टवेयर। पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना, पंजाब में जो होजरी उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, वो लुधियाना। भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ये ताप शक्ति है, ठीक है। ताप शक्ति है जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब देखिए सूची है और स्थान है, कागज जो है टीटागढ़ है ना, उसके बाद सीमेंट जो है लखेरी, लोहा और इस्पात भिलाई, खनिज तेल शोधन शाला ये अम्बाला मुकुल, ठीक है। फिर हमारा उद्योग और केंद्र है, देखिए एल्युमिनियम जेके नगर, तांबा जो है आपका मलासखंड, जस्ता जो है टुंडू, और उसके बाद जूट आपका है भाटपाड़ा, ठीक है, जूट है भाटपाड़ा। नेक्स्ट हमारा है सूची है, हमें मैच कराना, उद्योग अवस्थिति है, उर्वरक जो है वो श्री गंगानगर, उर्वरक कहाँ पे, श्री गंगानगर, कांच जो है वो जयपुर में, सीमेंट है उदयपुर में, कृत्रिम रेशम जो है कोटा। वैसे देख लीजिए उर्वरक श्री गंगानगर, कांच जो है वो जयपुर, कांच जयपुर, सीमेंट जो है उदयपुर, और कृत्रिम रेशम जो है कोटा। फिर से देख लीजिए उर्वरक श्रीगंगानगर, ठीक है, श्रीगंगानगर, उर्वरक कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर, ठीक है, कृत्रिम रेशम जो है कोटा। ये जो है राजस्थान का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हमारा है प्रदेश में पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, जामनगर, ठीक है। तो जामनगर में जो है पेट्रोल रसायन का, देश में पेट्रोल रसायन का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है जामनगर, पेट्रोल रसायन के लिए केंद्र और उद्योग है। काकीनाड़ा है जूट के लिए, काकीनाड़ा किसके लिए, जूट के लिए। विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए, और चन्ना पटना जो है रेशम के लिए, और भदोही जो है आपके कॉर्पोरेट के लिए। फिर हमारा है पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है चंदेरी और कांचीपुरम, बनारसी और जड़ी साड़ियाँ राजस्थान, दाल बाटी चूरमा और तिरुपति के लड्डू में से भौगोलिक सूचक सूचना या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जो स्थिति है प्रदान की गई है, बनारसी साड़ी, ठीक है, जरी और तिरुपति के लड्डू, ठीक है, इसको मिल गई है बनारसी जरी और साड़ियाँ और तिरुपति के लड्डू। शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे, तमिलनाडु में है। भारत में शिवकाशी क्षेत्र केंद्र स्थित है मदुरई कोयम्बटूर बंगलोर और औद्योगिक जो है प्रदेश में, मदुरई कोयम्बटूर बंगलोर औद्योगिक प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पीतमपुरा को जाना जाता है। ये पीतमपुर जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए और JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है कहाँ पे, तुपुदाना रांची में, ठीक है। ये ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो है वो तुपुदाना रांची में है। वाराणसी प्रयागराज मुरादाबाद और बरेली में वह क्षेत्र जो सुरमा के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए आपका ये बहुत इजी है, सुरमा के लिए बरेली ही प्रसिद्ध है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है भारत के अनुसंधान केंद्र, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।